हाय फ्रेंड, सबको नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए आज न्यू क्लासिक 350 का स्टेल्थ ब्लैक लेने के लिए फाइनली सीताराम मोटर्स विशाखापट्टनम में आया था। एक्चुअली मेरे पास मीटियोर है, मेरा दोस्त ले रहा था ये बाइक। काफ़ी मॉडल चूज़ किया है, लास्ट में पसंद एक ही आया, स्टेल्थ ब्लैक। ये मैट ब्लैक फिनिश में रेड स्टिकरिंग के साथ में आता है, ये मॉडल था। पूरा ब्लैक फिनिशिंग के साथ में आता है, यहाँ इसमें कहीं भी क्रोम फिनिशिंग नहीं मिलेगा आपको, टोटली ब्लैक। टैंक के ऊपर एक लाइट बैजिंग मिल जाएगा। इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा, कितना फ्री सर्विसिंग मिलेगा, ये सब मैं दिखाऊंगा। थोड़ा तो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, तब तक ये थोड़ा सफाई क्लीनिंग के लिए नीचे लेके जा रहा है। थोड़ा सर्वर का इशू से डॉक्यूमेंट का थोड़ा लेट हुआ था। ये ऑन रोड प्राइस पड़ा है 244, बाकी एक लेग गार्ड लगाया है तो उसका अलग से 4000 रुपये चार्ज किया। काफ़ी टाइम लगेगा बोल रहा है, तब तक तो थोड़ा खाना खा के आते हैं। फाइनली हमारा यहाँ फेमस रेस्टोरेंट था साईराम पार्लर, यहाँ पर नॉर्मल मील्स लिया था। साउथ में तो आपको पता है चावल का मेन प्रायोरिटी होता है। अनलिमिटेड खाना है, कितना भी खा सकता है। चार किस्म का सब्जी मिलेगा। उसके बाद ये रसम दही सांभर ये सब मिल जाएगा। खा के आ गया हम लोग। फाइनली मैनुअल बुक दिया है, बिल भी जनरेट हो गया बोल रहा है। इसमें देख सकते हैं चार फ्री सर्विसिंग मिलेगा आपको। फोर्थ फ्री सर्विसिंग 18 महीने का अंदर, मतलब 1.5 साल तक आपको फ्री सर्विसिंग मिलते रहेगा, उसके बाद आप पेड सर्विसिंग करना है। फर्स्ट 500 किलोमीटर 5000, 10000 और 15000, नहीं तो जो टाइम पहले है उसको आपको दिया जाएगा। जो भी पहले होता है उसी हिसाब से आप सर्विसिंग करा सकते हैं। मेरा दोस्त तो मेरे हाथ से बहुत अच्छा भी लिया था। अभी मैं आपको बिल दिखाऊंगा। बिल में दे सकता है 165 आपका जो एक्चुअल रेट था, 21,000 GST IGST दोनों स्टेट का सेंट्रल का, 42,000 के ऊपर आपको GST ले लिया है, ज़्यादा है। और एक इंश्योरेंस कंपलसरी, ये फ्री हेलमेट है, स्टैंडर्ड है, लिखा है दाम ज़्यादा लिखता है इसमें, ठीक है 1825 लिखा है। फ्री का हेलमेट है, सभी कहीं भी जाओ ऑल ओवर इंडिया में एक ही किस्म के हेलमेट मिलता है। तो कम से कम बोल रहा था 2 डायलेटर पेट्रोल ज़्यादा नहीं किया, 5 लीटर कुछ ऐसे डाला था। इस बार पेट्रोल टैंक का जो कैपेसिटी कम किया पहले से, अभी 13 लीटर कर दिया, रेजर को कम किया 3 लीटर, मीटियर में 15 लीटर था, ये 13 लीटर कर दिया, टैंक से छोटा किया। चलिए थोड़ा राइड एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं।
बीच में मैं आपको इंजन रनिंग में बीटिंग साउंड और वो ब्रेक दबाने से जो क्रर आवाज आता था वो भी मैं सुना होगा। कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता है, ये ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में आता है। थोड़ा डिजिटल एनालॉग मीटर वो जो दिया था पेट्रोल इंडिकेटर का, वो थोड़ा बड़ा करना था, ये इतना विजिबिलिटी नहीं दिख रहा मेरे को। इंजन पूरा चेंज किया है, मीटियोर का जैसा फील आ रहा है मेरे को। वाइब्रेशन बहुत कम हो गया। स्पीड ब्रेकर का सस्पेंशन थोड़ा हार्ड ही लग रहा है, नया नया, अभी धीरे धीरे हो सकता है। मीटियोर में भी रियर का सस्पेंशन हार्ड है, मैं थोड़ा नाइट्रो एयर अप्लाई करता हूँ, थोड़ा ठीक है पहले से। कहीं ना कहीं मेरे को क्लासिक से थोड़ा मीटियोर वैल्यू फॉर मनी लगा, काफ़ी फीचर्स है उसमें। आपको डिजिटल एलोमीटर अच्छा मिलता है, आपको ट्रिप नेविगेशन मिल जाता है, रेट भी इससे कम है, बाई डिफ़ॉल्ट एले व्हील्स भी आता है। चॉइस है अपना अपना, डिलीवरी ब्लॉक कैसा लगा प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। मेरे वीडियोज देखता है लेकिन सबसे बहुत कम करते हैं, आप लोग को फिर करते हैं।